हेलो नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? तो देखिए, आज सुबह सुबह का व्लॉग मैं शूट कर रही हूँ। आज सुबह सुबह मेरा कोचिंग भी था, तो मैं कोचिंग गई थी और कोचिंग से आ भी गई हूँ। और आज मेरा कोचिंग में टेस्ट था और मैंने कोचिंग का टेस्ट दिया, मैथ का टेस्ट था। तो मेरा मैथ का टेस्ट बहुत अच्छे से गया है। तो आज तो हमारे घर में बहुत काम है, और क्योंकि आज है विजयदशमी। अब देखिए, मम्मी भी आ गई है घर पे, और चलिए दिखाते हैं इसमें हमारे घर में क्या क्या हो रहा है। मम्मी इसमें तो चलिए दिखाते हैं पहले क्या कर रही है। तो देखिए, ये रहा किचन और ये रही मम्मी। तो मम्मी खाना बना रही है। हेलो, नमस्ते, राम राम दोस्तों, राधे राधे। कैसे आप सब लोग? आशा करते हैं कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत बढ़िया से होंगे। और विजयदशमी की आपको बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। 3 दिन पर मैं यहाँ आई हूँ, और यहाँ आने के बाद माहौल एकदम से बदल गया है। क्यों, लगी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मम्मी नहीं थी तो सब इधर उधर था, अब सब हो गया। स्वास्थ्य व्यस्त था और गलियां और घर भी सूने थे। कल मैं आई हूँ ना, कल लकी कह रही थी, शिवम भी कह रहा था कि मम्मी तुम नहीं थी तो पूरा पास पड़ोस भी सन्नाटा था। तुम्हारे आने से पूरा पास पड़ोस भी जो है जगमग हो गया है। मतलब सबको पता हो गया है कि चाची आ गई है। मतलब मैं रहती नहीं हूँ, और मैं रहती हूँ तब भी मतलब मेरे आस पड़ोस को ये पता रहता है कि मैं घर में हूँ कि नहीं हूँ। मतलब लोगों को मालूम रहता है मेरा रहना मैं ना बताऊं कैसे? कैसे। क्योंकि मम्मी आते ही हम लोग के गलत काम को देखते डांटना शुरू कर देती है, जो पास पड़ोस में सुनाई देता है, इसलिए पता चल गया सबको। चिल्लाना शुरू कर देते। मेरी आवाज इतनी कड़ी है क्या बताएं। सो फ्रेंड, देखिए, हम लोग तो कई दिन से वीडियो शूट नहीं किए थे। वहां घर पे मम्मी पास थे तो किशन जो है एक वीडियो जो है थोड़ा सा शूट किया था। तो अभी देखिए, आज तो विजयदशमी है, लेकिन विजयदशमी यार मैं 3 दिन के बाद आई हूँ। बहुत सारे मेरे घर में स्वास्थ्य व्यस्त है, बहुत सारे काम कर रहे हैं, और फिर मुश्किल से मैं आज रहूंगी, और कल अगर हो सकता है तो कल रहूंगी, नहीं तो मुझे फिर वापस जाना है वहां पे, और वहां का काम बहुत जल्दी कंप्लीट करवाना है। तो मैं 2 दिन यहाँ पक्का रहूंगी, 2 दिन में मुझे बहुत सारे काम करने हैं। तो अभी तो मैं झटपट से ये खाना बना रही हूँ, और आज देखो क्या क्या काम करना है। अभी खाना बनाने के अच्छा। बाद हम चल रहे हैं, उसके बाद आज आपको अपना पूरा वीडियो दिखाएंगे दिन भर में कि हम लोग कर क्या रहे हैं जो है जल्दी जल्दी से। तो पहले तो देखिए खाना में हम क्या बना रहे हैं। हमने कहा इन लोगों से कि खीर पूड़ी बना दें, तो इन लोगों ने कहा नहीं, इनको खीर पूड़ी नहीं मैंने तो नहीं चाहिए। कहा। नहीं, वो शिवम और अनु भी कह रही थी कि वो नहीं, खीर वगैरह नहीं बनाना है। तो मैंने कहा चलो सादा खाना पहले झटपट से सुबह बनाते हैं। तो सुबह हमने ये बैंगन आलू टमाटर की सब्जी बना रहे हैं, चावल बना रहे हैं, रोटी बना रहे हैं। शाम को कुछ बनाएंगे पूड़ी वगैरह जो है, तो वो तो हम शाम को बनाएंगे, क्योंकि भी पूरा जो है काम भी तो निपटाना है, खेतों में भी काम करना है। तो इसमें हम जो है ये चीनी डाल दे रहे हैं, ये निकला है मलाई में से। तो ये तो हमारी लकी, लकी खाओगे तुम? हाँ ठीक है। लकी चूंकि सुबह चली गई थी एकदम से कोचिंग, सुबह सुबह 5:30 बजे लकी कोचिंग चली गई थी, तो लकी कुछ नाश्ता पानी की नहीं है। अनु भी कोचिंग से आ गई है, शिवम का कोचिंग है नहीं। तो लो लकी, तुम इसको खा लो और अपना वीडियो शूट करते रहो, इसको खाते रहो। आज मैं ब्रश भी नहीं की। देखो, ये बिना ब्रश मैं जा रही हूँ ब्रश करने। भगवान, सत्यानाश, ये लोग लड़के हैं क्या है? बिना ब्रश किए देखे ये स्कूल गई है। 6 बजे ही जाना था, भूल गई। अब मैं जब बोलती हूँ तो कहती है मम्मी चिल्लाती है, बताइए। अच्छा बताइए दोस्तों, क्या अच्छा मम्मी सबकी चिल्लाती हैं? मुझे लगा कि मैं ही चिल्लाती हूँ। आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। मम्मी, आज कोचिंग में टेस्ट था ना, तो सारा पेपर खत्म हो गया था, तो मैं सर के मोबाइल से कर रही थी पेपर, और बार बार सर के मोबाइल में फोन आ जा रहा था, इसलिए आज मुझे लेट भी हो गया पेपर करने में। चलो सर, पेपर बढ़िया गया कि नहीं? हाँ बहुत अच्छा गया, सारा क्वेश्चन आ रहा था। चलो तुम नाश्ता कर लो, ये जाओ मंजन करो, इसको खाओ, और फिर बाकी जल्दी जल्दी शूट करते हैं। बहुत 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 सारा काम है, तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो क्या क्या करें हम? खाना बना दो, दिमाग काम करने लगेगा। हाँ पहले खाना से निकलेंगे तो फिर जल्दी जल्दी मेरा काम निपटेगा बाहर का। चलिए मैं चलिए बाहर दिखाती हूँ कौन सा काम चल रहा है। तो देखिए, नल टूट गया है, तो बाहर प्लम्बरिंग का काम चल रहा है। तो देखिए, ये बाथरूम और टॉयलेट का नल यहाँ से टूट गया था, तो यहाँ से लीक हो रहा था यहीं से, तो यहाँ ये प्लम्बर आए हुए हैं और ये बना रहे थे। तो देखिए भैया आ गया है, और ये भी गाय और बछड़े को खूंटे पर से अलग करेगा, यानी दूसरे खूंटे पर लेके जाएगा। तो देखिए, ये है हमारी हंसी, ये बहुत तेज हो गई है, हमेशा एकदम दौड़ती ही रहती है इसको छोड़ा जाए तो। तो ये इस खम्भे में बंधाएगी, और देखिए ये है अनु,
अनु क्या बना रही हो? तो देखिए अनु रावण बना रही है। देखिए अनु इसका सर कहाँ है? तो देखिए अनु बना रही है रावण अपने से, और ये इतना छोटा सा रावण बना रही है। कहाँ जलाओगी? तो अनु देखिए रावण जलाएगी तो मेला भी लगाएगी। मेला लगाओगी ना? क्या क्या बेचोगी मेले में? टॉफी। टॉफी और टॉफी। तो देखिए अनु मेला लगाएगी और बस टॉफी बेचेगी। मार क्या रही हो उसे? देखो तुम्हारे पास आ रही है, कितनी प्यारी है हंसी, तुम इसे मार रही हो। देखो तो देखिए हंसी अनु को तंग कर रही है। देखिए अनु का हंसी आ रही है उसके साथ खेलने के लिए, तो इसके साथ नहीं खेल रही है। कैसे बनाएगी? और अब गाय अपने खूंटे पे जाएगी। ये थोड़ा सा घास रख दिया जाता है ना कि गाय भागे ना, नहीं तो गाय भी भाग जाएगी हंसी के पास। इसीलिए अगर घास वहाँ रहेगा तो गाय वहाँ पे चली जाएगी घास खाने के लिए। और ये अब गाय भी जाएगी। तो देखिए गाय जाएगी और लगता है कोई रो रहा है। मैं देखती हूँ कौन रो रहा है। तो देखिए ये आयशा रो रही है। तो देखिए आयशा रो रही है। आयशा क्यों रो रही हो? तो देखिए आयशा इतना रो रही है, बोल भी नहीं रही है। और ये गाय भी बंद आ गई। तो मैंने ब्रश कर लिया है और मैं ये नाश्ता करूँगी। और मम्मी देखिए कहाँ कहाँ जा रही है, इतना भाग दौड़ में लग रही है। क्या करना है मम्मी? अरे यार गेहूं धो के अभी ये लकी साड़ी जा को का मिली? साड़ी छत पे है एक। कट है एक। एक थे और चाहिए। सीऊं कहाँ गई भैया? साड़ी हो बक्सा में? साड़ी हो? हाँ होगा। तो देखिए मम्मी कितना जल्दी 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 काम कर रही है। यार अनु शिवम कहाँ गए? गुस्सा बड़ी लकी ना तो हम फिर चले जाए और सब ऐसा छोड़ छाड़ के चले जाए अपन कर जा सकते नहीं। तो देखिए इसी प्रकार से पता चलता है कि मम्मी आ गई है। शिवम कहाँ गए? और सही बता दी ना तब छोड़ देना अपन, एक जगह जज अपन कर जाए जाए समझ जाए। तो कुल घर पूरा गंदा होला, पूरा घर भी नहीं सफा होला। गेहूं धो के खेत में गैया का घास बो के होला, उ सुख गया का घास खाद चढ़ा के तो पापा छोड़ देलन। तुम लोग के भर देते खेतवा ना, हम नहीं रहता जा। देखा टमाटर मरचा कुल झुरा गए, कुल सुख के खत्म हो गए। का खाइबू? तो देखिए इसी प्रकार से पता चलता है कि मम्मी आ गई है। अच्छा यहां चलो 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 तो आपको पता चल गया होगा कि देखिए। तो देखिए यहाँ से निकलेगा गेहूँ। इन सब टंडालों में अनाज भरे हुए हैं। देखिए इस प्रकार से मम्मी गेहूँ निकाल रही है। यार धोवा के हला घर भी आटा नहीं है, पूजा बदे भी गेहूँ धो के हो, पूरी बदे भी धो के हो, भोज बदे तो बढ़िया से धोवा में तब कैसे काम चले। तो ये खत लगा लगे थे तो देखिए निकाल गया दूसरा दौरा। और भैया देखे काम के वक्त नहीं पता नहीं कहाँ चला गया है। तो देखिए भैया की वाट लगने वाली है क्योंकि भैया गायब हो गया है। अनु और वो अनु की दोस्त गई है खोजने। हाँ तुम्हें भैया किस चीज से मार खाएगा? हमें बताओ, हम तैयार रखे। तो देखे मम्मी हम लोग का सारा 3 दिन की खुशी गम में बदलने वाली है। 3 दिन तक कूद रहा है। 3 दिन तक
मामा का फोन आ रहा है। मामा का फोन आ रहा है अशोक मामा का। दस बतिया पानी छिड़का कर तो देखिए भैया पिटा गया। तो देखिए भैया पिटा गया। हाँ बाद में गेहूँ का बुआई 12 बजे वाला का। चलो लेके तो भैया कैसा लग रहा है पिटाने के बाद? भैया तुम्हें पिटाने के बाद कैसा लग रहा है? बहुत ही कूल महसूस हो रहा है। क्या कूल लग रहा है? कैसा मतलब? मतलब कि भैया को बहुत अच्छा लग रहा है। कैसे हो जाए हमें मार के एक बार हम जा खाया हो ना। आइयो आइयो खा जा ले जा कि जमा में जो चलो आए मम्मी मैं यहां पे गेहूं धुल रहा है। और देखिए पापा के साथ प्लम्बर। और देखिए क्या हो रहा है प्लम्बरिंग का काम। देखा हुआ पाइप में तोड़ के तोड़ के और देखा बैठ के यहाँ लोगों का पंचायत होता है। अरे अगर हम लोग कोई उसे बोल बतिया देंगे तो कहीं कहीं सब औरतें कितना बतिया लोगों का। देखिए पूरा प्रजातंत्र राजतंत्र चल रहा है। यही पापा और ये प्लम्बर लोग की सरकार है। बदनाम खड़ी हम महिलाएं हैं। खेला कहाँ खेलवा भैया के साथ बहुत सारे इसके दोस्त खेल रहे हैं। बहुत सारा काम होला। अच्छा जल्दी आया आधा घंटा में। 3 घंटा लगे। 3 घंटा धाप छिटक के गैया के खेते में। खेते में चलो किया गेहूँ धो के तुरंत हम खेते में चला जा। 6 घंटा खेल के आवा तब तक हम आवा। दीदी देखिए छत बटोर रही है गेहूँ के लिए। दीदी तो देखिए दीदी बड़ी मेहनत कर रही है इस वक्त। तुम मेहनत करो। चलो तुम भी मेहनत करो। नहीं मुझे मेहनत नहीं करनी। झाड़ू पकड़ो। ए नहीं यार देखिए अनु कितनी आलसी है। एकदम मेहनत बिल्कुल भी नहीं करती। घर में बस खाली अनु को खाना रहता है और अपने दोस्तों के साथ उल्टा सीधा काम करना रहता है। कहाँ यार स्कूल जाती हूँ अभी। देखो स्कूल से आई हूँ फिर कोचिंग जाऊंगी। आज तुम्हारा कहाँ से स्कूल हो गया? आज छुट्टी है। अरे 6 बजे का था ना वो कोचिंग था। अरे वो स्कूल था शाम को कोचिंग है। अरे अनु क्या गैस पर दूध हलाते जा तू पागल है तू पागल है दूध। अच्छा अब मैं जा रही हूँ गैस पर दूध है तो हम जा रहे हैं दूध बंद करने। तो फिर देखिए हम लोग हम आ गई हूँ गैस बंद करके। देखते हैं दीदी कितना साफ की है। बस दीदी इतना साफ की हो तुम साफ करो। नहीं मुझे नहीं करनी साफ। ऊपर से करिए बस इतना साफ की हो। कम से कम समझो कुछ तो समझो। इतना पूरा छत तो अब गेहूँ जो है धुल गया है। तो अब मम्मी और दीदी से लेने के लिए तो प्लम्बर चले गए बनाए नहीं प्रजातंत्र राजतंत्र तो खत्म होता ना हाथ तब बनाते तो चलिए चला गया। मम्मी ये कितनी अच्छी साड़ी लग रही है। अनु ने यही साड़ी पहनी। और 2 बोरा है और 2 क्या है मम्मा दौरा। 1 बोरा और 1 दौरा 2 दौरा धान इसी पे बिछा रहे हैं। हाँ वो गेहूँ देखिए उधर सारे गेहूँ लगा रहे हैं। तो आइए मैं दिखाती हूँ। क्या दिखाइए? देखिए मेरी बड़ी मम्मी का सारा धान लगा गया है।
और यहाँ पे मेरे सर का भी धान लगा रहा है, और ये वाला जो है ना, ये वाला वो वाला मेरे मेरा कोचिंग है, वो वाला बड़ा वाला जिसपे टंकी है ना, उसी के बगल में मेरा कोचिंग है। तो मम्मी घर क्या धो रही है, और अभी मैं फैला भी दे रही हूँ। इतना गेहूं दीदी फैला दोगी? तुम भी फैलवाओगी? बक हम खेलेंगे क्यों, गेहूं फैलवाएंगे? तुम मम्मी से मार खाओगी जैसे भैया खाया। मम्मी हम भाग जाएंगे तो मम्मी कैसे मारेगी? तो मैं दीदी से बात करती हूं, और मम्मी उधर धो रही है। मम्मी हाँ। अभी इतना भी धोना है? हाँ, मैं लगा तो बस अब जाएंगे खेत में पानी में छपर छपर करने। लाइट आई ला? नहीं आई ला। नहीं आई ला। नहीं तो कैसे खेते का काम हुई? लाइन आई तो खेते काम कैसे हुई? पानी भर के पता नहीं क्या कैसे होगा। तब तक तो गेहूँ धो ले, काम कर। प्लास्टिक सर्जरी अच्छा वाला का? नहीं, फिर भी बोला करवा लेते हैं जापान में। प्लास्टिक सर्जरी तो वही को बोला ना, जिसका चेहरा खराब हो जाला। हाँ, या कुछ जैसे अपने चेहरा का डिजाइन बदला के हो। वो लोग बस सूरत में इसलिए करवा लेते हैं। जापान का? हाँ। नहीं था जापान का तो बहुत सुंदर सुंदर लोग रहा ले। हाँ, लेकिन बहुत वहाँ पे ज्यादा ज्यादातर लोग प्लास्टिक सर्जरी करवाए होते हैं जापान के। यूट्यूब पे देखा, यूट्यूब झूठ भी बोल सकता है। यूट्यूब पे झूठ भी लोग बोलते हैं? हाँ, वीडियो में देखा ना। पता नहीं यार, तो हम पहली बार सुने थे। धान गेहूँ फैला गया है, अब हम चलते हैं नीचे। अब हमें बुआई करनी है गाय के चारा के लिए घास। अब हम आ गए छत पर से खेत में, और इसी क्यारी मम्मी बना रही है, इसी में गाय के लिए क्या टेढ़ा है, गाय के लिए घास बीच में टेढ़ा इससे होगा। देखिए पूरा खेत खाली लग रहा है, अभी तो इतनी हरी हरी लग रही है। फिर अब इसमें घास बोएगा, फिर इधर उस वाले उस धान के खेत में बोएगा, उसमें सरसों बोएगा ना मम्मी। फिर इस तरफ पूरा चना मटर गेहूं सब बोएगा। मम्मी का बुआई तो दोस्तों देखिए, गेहूं तो हम धो लिए हैं, अब आ गए हैं खेत में, और खेत का जल्दी काम निपटाते हैं। तो इस खेत में हमको जो है घास छींटनी है, यानी गाय के लिए चारा छींटना है। और देखिए तीन दिन नहीं थे, देखिए ये लोग कितना बड़ा गड़बड़ काम किए हैं, आइए आपको दिखाते हैं। तो देखिए इस खेत में इन पौधों को खाद दे के मिट्टी दिया गया है, लेकिन इसमें ये लोग पानी नहीं दिए हैं। शिवम लकी अनु जो है इतना गड़बड़ काम किए हैं। देखिए ये जो पौधे हैं सब सूख गए, ये देख लीजिए टमाटर का सारा पौधा खत्म हो गया है। यहाँ पे टमाटर था, यहाँ ये सारा जो है पिंडी जो दिख रहा है ये सब टमाटर का था, सब खत्म हो गया है। देखिए ये सब खत्म हो गया है। मम्मी यहाँ पे आओ थोड़ा सा छाक कर। देखिए देखिए ये टमाटर का पौधा खत्म हो गया। दरअसल ये तो जानते हैं ये सब क्यों सूख गए हैं, क्योंकि इस पे खाद देके मिट्टी दिया गया था और इसमें पानी नहीं दिया गया था। अब आप ही बताइए दोस्तों, आपको हम खाना दे दें और तीन चार दिन तक पानी ना दें तो बताइए आप जिंदा रहेंगे? उससे अच्छा है कि आप अगर खाना ही नहीं खाएंगे तो आप कई दिन तक जिंदा रहेंगे। तो वही हाल इन पौधों के साथ है, इनको हमने खाद तो दे दिए लेकिन पानी नहीं दिए, तो डिहाइड्रेशन कहते हैं ना। और इस वजह से देखिए ये मेरे सारे ये लोग पौधे जो है सुखा दिए हैं, तो मैं इसमें जो है पानी लगाऊंगी, ये सिंचाई होगा, और उधर हम खेत में घास वगैरह सब चल रहे हैं छींटने। तो देखिए न रहने पर कितना जो है मेरा नुकसान होता है। इससे बढ़िया जाया ही ना करो मम्मा, इससे बढ़िया जाया ही ना करो। सही है शिवम। देखिए भैया क्या बना रहे हैं मम्मा। मम्मा भैया इसमें क्या बोएगा? इसमें घास। अब तो मैं इसमें पानी भरेगा ना, मैं इसमें कूदूंगी, मौज करूंगी। मौज कर दी बेटा मौज। शिवम टेढ़ा हुई और ऐसे। हाँ अब सीधे जाओ। हाँ ऐसे एकदम सीधे चलते जाना। ये इस क्यारी में लकी हम घास छींटने वाले हैं, तो थोड़ा गोबर है, लाके इसमें गोबर फेंक दोगे? हाँ इसे गोबर डाल दो ताकि घास बढ़िया जो है उगेगा तब। अनु कह रही अच्छी गोबर। हाँ नहाएंगे देखा ही सबको छपर छपर। इसमें गोबर फेंको, इसे तुम लोग गोबर नहीं फेंके हो? नहीं नहीं गोबर गोबर हम नहीं फेंके थे मम्मी, गोबर फेंके थे।
नहीं तुम टेढ़ा जा रहे हो यार। इसका देखो सब घास से निकालना है। हाँ बस यही सीधे ऐसे ही जाना। मम्मी घास क्यों निकालोगी? अगर इसमें पानी डालोगे तो घास कैसे ग्रो कर जाएगा? तो यार अनु तुम छांव में चलो। अनु बहुत बकवास कर रही है, कब से घास गाय ने खाएगी। हाँ सिंपल सी बात है, तुम लोग घास ये लकी देखो सही है। सही है, लाओ सिवा हम बनाए दो। और ये देखिए मम्मी भी किसानी में जुट गई। तो हम सीधा करें, तो देखिए क्या बात है मम्मी, क्या बात है। अनुख मम्मी घर भेज दो तो देखो क्या कर रही है। तो दोस्तों देखिए हम अभी खेत में थे और खेत में से आ गए घर। खेत का काम अभी रुका हुआ है क्योंकि मेड़ तो हमने बना दिए हैं लेकिन पानी नहीं जा पाएगा क्योंकि हमारा प्लम्बरिंग का काम चल रहा है। पाइप फटा हुआ है तो उसकी जुड़ाई हो रही है, तो जब तक पाइप नहीं जुड़ रहा है तब तक हम ये वाला काम कर ले रहे हैं। ये जो खेत में से सनई हम बोए थे जिसका फूल की सब्जी बनाए थे, देखिए ये वही है। और इसका देखिए बीज तैयार हो गया है, इसके फल घुंघरू वाले हैं देखिए। तो इसको बीज को हम ये तोड़ के रख लेंगे तो अगले साल फिर हम ढेर सारा बोएंगे। तब तक ये वाला काम निपटा लेते हैं, बहुत काम है, बहुत ज़्यादा काम है। तो कहीं ना कहीं से सारे काम को करना ही है, तो जो मौका मिल जा रहा है वही काम पहले हम लोग शुरू कर दे रहे हैं। तो पहले तो देखिए अब ये वाला सारे इसको हम निकाल कर रख ले रहे हैं, ये सब हटाएंगे, उसके बाद देखते हैं अभी मशीन कब तक टाइम मिलता है हमको पानी। अच्छा इसमें से आपको बीज भी दिखा दे, आइए पास में दिखाए, इधर आओ लकी। तो देखिए ये सनई का बीज है, देखिए देखिए इस बीज को हम रख देंगे निकाल के, तो अगले साल हम ढेर सारा सनई का फूल बोएंगे देखिए। चलो चलो अनु जल्दी जल्दी करो निकालो लकी, चलो जल्दी जल्दी निकालते हैं। एक बार मैं घुंघरू बजा के दिखाना चाहती हूँ, बजा दो। तो ये रहा और सुनिए इसका आवाज, देखिए घुंघरू के जैसे बज रहा है। छोटा मुन्ना रो रहा हो तो जिसके पास घुंघरू नहीं है तो वही बजा के दे। तो देखिए मैं किचन में आ गई हूँ और पापा बोले थे कि प्लम्बर के लिए एक चाय बना दो, तो देखिए मैंने यहाँ गैस पे चाय बनाया हुआ है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैंने कैसा चाय बनाया है। तो देखिए मैं यहाँ एक कटोरे में मैंने यहाँ पे चाय बनाया हुआ है और मुझे जल्दी से आना है और प्लम्बर को देना है। तो चलिए दिखाते हैं आपको कि हमारा प्लम्बरिंग का काम कितना हुआ है। तो कैमरा बैक करते हैं। ये चीज का मतलब कि तो दोस्तों देखिए ये इसका बीज भी हम अपने काम भर के तोड़ लिए हैं, तो अब इसको भी हटा देते हैं। और काफी हो गया है टाइम, शिवम नल बना? बस थोड़ा सा बचा है। पाइप अभी तक पाइप ज्वाइंट हुआ कि नहीं? वही ज्वाइंट हो रहा। तो अभी हमारा जो है प्लम्बरिंग का पूरा काम कंप्लीट नहीं हुआ है, काफी टाइम हो गया है और अब हम सब लोग गए हैं थक। तो आप वीडियो हम यहीं पे करेंगे बंद और उसके बाद फिर इस वीडियो को अभी यहीं पे करते हैं अपलोड, उसके बाद बाकी के वीडियो हम शूट करेंगे तो उसको दूसरे वीडियो में हम अपलोड करेंगे। अब देखिए इतना हमने बीज से तोड़े, दिखाओ अनु तो इधर, ये सनई का इतना बीज निकाले, इसमें से बहुत बीज निकल जाएगा तो इसको रख देते हैं। हमको जितना बोना है उसने भर के तो निकल ही जाएगा, ये सबको हटा देते हैं। अब तो लकी और तोड़ोगी? एक आध किलो बीज निकलेगा क्या? नहीं तोड़ोगी लकी? तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे अब हम करते बंद।
अगर ज्यादा थक जाएंगे तो मेला नहीं देख पाएंगे ज्यादा। हाँ देखिए अनु ज्यादा थक जाएगी तो मेला नहीं देख पाएगी, इसलिए अभी लोगों को नहीं थकाते हैं। क्यों लकी तुम थक गई हो कि नहीं अभी? नहीं अभी लकी नहीं थकी है, माने अभी चार्ज है इसका, बैटरी चार्ज है और मेरा 5% है। अनु का बैटरी 5% बचा है, यानी अनु और शिवम एकदम से थक गए हैं। लकी भी नहीं थकी, तो अभी इससे तो बहुत सारा काम करवाना है तो करेगी लकी हमारे पास। मुझे काम नहीं करना। हाँ, तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर अगले कल, अगले साल नहीं कल। और आप लोग को दशहरा की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। दशहरा विजयदशमी है ना, विजयदशमी दशहरा कहते हैं इसको, विजयदशमी और दशहरा कहते हैं। तो इसकी बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। आप लोग जहाँ भी रहिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मत रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे वीडियो देखते रहिए, लाइक भी करते रहिए। तो चलिए जल्दी से आपको भी यहाँ का मेला देखना है तो आप सब भी आइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, चलो लक्ष्मी सबको हटाते हैं।